हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा चैनल जिसका नाम सक्सेना ऑलराउंडर, ऑलराउंडर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? थोड़ा तेज बोलते हैं, पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। तो दिख रहे हैं आज बाबू घर पे हैं और गाड़ी में बज रहा है पाँच, शाम के 5 बज रहे हैं। हम लोग सब लोग चलिए आज शाम का ब्लॉग। हम लोग शाम को जब ये घर पे रहते थे क्या क्या मस्ती करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए घर पे बाबू अभी हम लोगों के लिए रास्ता लेके आए, ये फिंगर। तो फैमिली आप लोग भी आ जाइए, समोसे हैं, पापा भी हैं। पापा भी समोसा खा चुके हैं। बाबू जो हैं, बाबू देखिए कुछ खा नहीं सकता हूँ, बस पानी चिपक रहा है मुझसे, खा नहीं सकता हूँ, मुँह में खाने के चक्कर से कड़वा लग रहा है। ये देखिए अपने बाबू को क्या देखा। थैंक यू। अब मेरा भी देना बनता ना, तो एक ही नहीं है, देखिए दो दो फूल है, मैं भी दे देती हूँ। I love you बाबू। तो वैलेंटाइन जरूर था, वैलेंटाइन डे में रहना चाहिए, जब भी प्यार का माहौल बने तो आप जब कभी भी दे सकते हैं। पार्टी भी बाहर आप पैसे भी दो, उसके बाद भी अच्छी चीज नहीं मिलती, कांटे वाली दे देंगे आपको, बोलेंगे बिना कांटे की नहीं, कांटे वाली दे देते हैं। तो अपने हाथ से वो बहुत बढ़िया बोलने से खाने में बहुत अच्छी होती है। चलिए अभी मिलते हैं। तो मेरे चाचा से मैंने, अगर मेरे चाचा अगर देख रहे हो, चाचा अगर मेरे व्यूअर्स आपके पास आते हैं तो सामान अच्छा अच्छा दीजिएगा। तो आप मेरा नाम बताइएगा, मतलब मेरे चैनल का नाम बताइएगा, प्रीति। मेरा नाम वैसे तो प्रीति है, बताएंगे अगर कानपुर से बिलोंग करते हैं तो आप जाएंगे तो सामान आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो कैसा मिलता है बताओ फिर हमारे चाचा की दुकान। तेज बोलो, तेज बोलो, सुना नहीं पड़ता। सुनाई पड़ता है जिसमें एक भी कांटा नहीं मिलेगा वो वाली फिश मिल जाएगी। और आप ऐसे खाते हुए जैसे आलू खा रहे हैं। आपने बोला ना आप आँख बंद करके भी खाएंगे, अगर जो शौकिया है, मैं शौकिया की बात कर रहा हूँ, मतलब कर रही हूँ, सॉरी जेंडर चेंज कर दिया, मतलब मेरी आदत कर रहा हूँ, बोल देती हूँ। तो मतलब आप एक बार लोगे ना तो बार बार जब से तेरे मेरे पहले खा रहे, पूछा नहीं किसी को, तो नहीं हूँ मेरे घर में, अब तो आपसे शेयर करना बनता ही है। अब तो छोटी छोटी चीज भी अगर मेरे साथ मेरी खुशियों में आएगी तो आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। अभी तक मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ अभी तक क्या मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था इससे पहले, तो मैं अब बना रही हूँ। तो मैं जो चीज़ मेरे घर में आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी दिखाऊँगी, इंतजार करिएगा। फैमिली मैंने वो काफ़ी मुझे मतलब पहले से ही प्यार करते थे, लेकिन अभी जब से पापा ने तो कुछ ज़्यादा ही मेरे मतलब हमारे घर में बहुत कुछ कोई चीज़ भी होती है तो ध्यान देते हैं, अगर बात करो तो बताते हैं अच्छी बुरी बातें, और समझा भी देते हैं कि हाँ बेटा नहीं है, कोई रास्ता भी दिखाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ जो बड़े हैं ना उनका सर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ही मतलब बहुत अच्छी राय दी, मैंने काफ़ी दिन से बोला था कि मुझे जो अलमारी चाहिए, तो बोला कि हाँ ठीक है मैं चीज़ दिलाऊँगा तो अच्छी दिलाऊँगा। तो उन्होंने मुझे बाकी पैसे से नहीं फर्क पड़ता, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बढ़िया अलमारी है। फैमिली वो अलमारी जो चाचा ने हम लोगों को इतनी हम लोगों की हेल्प करी, मैं तो देखने भी नहीं गई थी, और काफ़ी मतलब उन्होंने ही अपने ही पसंद से ली है और उन पर पूरा भरोसा था कि अच्छे लगेंगे। तो चाचा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की हेल्प करने के लिए, बहुत अच्छी अलमारी दिलाई है। लेकिन लोगों को देखने में समझ में, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन जितने देखे हैं वो सब यही बोल रहे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चाचा। थैंक यू, आपका हाथ हमारा आशीर्वाद बना के रखिएगा हमेशा। और फैमिली आपको बताया, हम लोग जब मैं इस घर में आई थी, मतलब मैं इनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे हैं और सब इनकी मेहनत से बहुत मेहनत करते हैं, तो आज है मैं कुछ हूँ, सब इनकी मेहनत है। जो मेरे घर में शायद कुछ नहीं, एक साइकिल ले देना बात संभाल कर रखना होता है।
ऑटोमेटिक आप खुद कर सकते हो। और कुछ हो सकता है, बस आदमी के अंदर लगाना। और एक माँ बाप जो अपनी बेटी जान निकाल के मतलब अपने दिल का टुकड़ा देते हैं आपको, तो वो लोहे लगने की चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज तब तो दहेज आपको जो आशीर्वाद के रूप में रहते वो लीजिए, मतलब अपने मुंह से मांगिए नहीं। प्लीज खराब लगता है दहेज वहेज, मुझे तो इसके पीछे सख्त खिलाफ हूँ। मेरे घर में भी शादियाँ हुई हैं लेकिन ना दहेज दिया गया है ना दहेज लिया गया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैं इसके लिए भी खुद अपनी मेहनत से ही आप लोग करो तो ज्यादा अच्छी बात है। मेरे घर में भी है गिफ्ट के, अगर देखा जाए तो मेरे घर में मुझे मैजिक से गिफ्ट मिला, ऐसा नहीं कि मुझे गिफ्ट नहीं मिला, मुझे बाद में हम हर वक्त मुझे गिफ्ट कुछ ना कुछ मिला है। तो साइकिल जो आई थी आयुष को, तो आयुष को मम्मी ने मेरी दी थी गिफ्ट में उसके बर्थडे में, साइकिल का ऊपर का कमरा था काफी गर्मी थी, उसके बाद हम लोग कूलर आया था। मैंने कूलर आने के बाद हमारा कूलर आया, उसके बाबू के होने से पहले मतलब मैंने ये हो गया बाबू का, मतलब इतने साल का बाबू को इतने साल की हमारी गाड़ी में हो गई, आज चार साल का होगा चार साल की गाड़ी में हो जाएगी। 28 दिसंबर आई थी हमारी गाड़ी, 3 जनवरी उसके बाद हमारे एक छोटी सी टीवी थी, पहले सबके घर में चलती नहीं रबे वाली। कुछ बोलो सेंटी हो गए क्या? तो फैमिली मतलब ये सब चीजें हैं दिखाने क्या, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत से सब चीजें बनती हैं और बनाई है मेहनत करके, तो लगता है कि हाँ मेहनत से बनी। बस अब छोटे से एक अपने घर की इच्छा है, अब वो भी होगा बहुत जल्दी होगा। आपका प्यार है, आपका साथ है ना, तो आपका साथ है प्यार है जरूर होगा, अच्छा होगा। जब हो गया इतना हो गया, अब तो आपके साथ हर चीज़ शेयर करनी है, मुझे छोटी छोटी चीज़ भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि अब आपके बिना हम लोग को अच्छा ही लगता कि मैं कुछ करती भी हूँ ना तो लगता कि आपके साथ पहले शेयर करूँ, पता नहीं आदत सी हो गई आपसे। अब बोलो ये देखिए लोग बेटा समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो हमारे घर में, उनको बहुत प्यार किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं करते, आप लोग करते ना ये नहीं। बाबू बताओ कुछ।
सबको लाइफ पार्टनर ऐसे ही मिलना चाहिए। बहुत अच्छे हस्बैंड है, बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ कम। पर मसाला खाते हैं और कभी कभी थोड़ी थोड़ी गंदी गंदी आदत ना इतनी सी। और आप लोग कमेंट वमेंट बताइएगा कि मैंने क्या कहा था, समझाइए इनको। छोटी सी लाइफ पर खुश रही है, ये सब करने से क्या मिलता है आप बताइएगा, ठीक है। फैमिली तो आप जानते हैं, ये पूरे रियल के खुद के, ये सब 13 भाई बहन हैं। मेरी नंदे 9 नंदे हैं, 2 जेठ हैं, और इनको मिला के सब 3 जेठ, 2 ही तो जेठ हुए, 3 जेठ हैं, एक खत्म हो गए। हाँ एक खत्म हो गए। हाँ 3 जेठ मतलब एक थे और खत्म हो गए। तो हम लोग मतलब 13, इधर से मुझे 13 और इधर मेरे कज़न। मुझे मैं अपनी रियल में तो हम लोग 2 भाई और 1 बहन, और बाकी मेरे पूरे कज़न मतलब चाचा पिती हम लोग सब लोग अगर मिला ले तो हम लोग 8, मेरे 8 भाई हैं और हम 2 बहन हैं। तो और सब भाई बहन सब भाइयों, हाँ 3 की कमी खाली। तो दो मतलब सभी को, सारे भाई बहन सबको, जहाँ जहाँ जो है सब ठीक है, लेकिन सबको सब जहाँ है भगवान करे सब खुश रहे। सब मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ घर की, मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद विशाल है, फिर विकास है, उसके बाद सब बराबर लाइन पे है। फिर हमारे यहाँ अर्जुन है, करण है, अर्जुन है, वरुण है, और कपिल, कुणाल और कृष्णा। मैंने सबसे छोटा बेटा उसका नाम कृष्णा रखा है, मैं कहती हूँ कृष्णा उसको, बहुत क्यूट है। आपने देखा है मेरा छोटा भाई, अगर नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखना, बहुत क्यूट है। बाबू बोलो 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 मेरा बदमाश बच्चा ये बहुत बाबा से अपने लड़ता है। इधर दिखा, इधर शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। तो बस ये छोटी सी हम लोग की फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, छोटी कर लीजिए, खाने के लिए सब लोग अलग रहते हैं, इसको चिप्स बहुत खाना रहता है। छोटी कह लीजिए, बड़ी कह लीजिए, लेकिन हम लोग की छोटी से फैमिली। और एक मेरी बस मेरी खास बेस्ट फ्रेंड, मेरी लगते जिगर, जिनका नाम है निशा। तो निशा प्रीति जो है ट्विन वन है। मैंने ब्लॉग में आप देखेंगी, मैं दोस्ती के लिए मैं ज़रूर बनाऊंगी वो, कभी मैं मिलाऊंगी। तो यहाँ प्रीति वहाँ निशा, मतलब निशा प्रीति एक है। मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो कभी मिलेंगी तो ज़रूर बताऊँगी। बाबू बताओ थोड़ा सा कुछ तो बोलो। निशा प्रीति आती है अच्छे जैसे लगता रामलीला आ गई। तो आपको क्या पता है, लोग हम लोगों को समझते हैं कि इनका किसी जन्म में इनका अफेयर सफेयर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लोगों की दोस्ती समझिए कुछ भी, हम दोस्ती का मतलब भी नहीं पता और उसके कुछ मायने नहीं, शब्द नहीं हम लोगों के पास कि हम लोग की दोस्ती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जैसे हमारी इनसे बॉन्डिंग है, उसी तरह मुझे लाइफ में 2 इंसान प्यार और दोस्ती इतनी अच्छी मिली है। शायद मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत कठिन में मिली है हमको, मेरा बाबू बहुत कठिन में, हमने कितनी लड़ाई कितनी क्या करा तभी मिला हमको। बुलबुल देखने दो ना, अरे मेरा बच्चा देखिए लाइव प्रपोज कर रहा हूँ सबके साथ, बहुत मुश्किल में मिला है। बोला आपने मारा एक तरफ थे, अकेला मैं था, मुझको ये चाहिए तो चाहिए। ये मैंने भी इन्होंने 2 कदम बढ़ाया था ना, एक कदम मैंने भी बढ़ाया, साथ नहीं छोड़ा मैंने। आज आप लोग हमेशा आशीर्वाद दीजिएगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा रहें, हमारा साथ हमेशा रहे। अभी के लिए रोटियां बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है, रोटियां बना लेते हैं फिर खाते हैं। आप सब भी खिलाते हैं, आ जाइए किसी दिन सब लोग, फिर मिल के करते हैं। क्या करेंगे बाबू? पार्टी पार्टी। ये देखिए ये पार्टी पहले से हो रही है। मुझसे छोटी बहन है लेकिन मैं निशा बोल रही हूँ, सॉरी दी, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि गाइस मैं बता दूँ मैं उन निशा नहीं बोलती हूँ, मैं उनको दी बोलती हूँ। हाँ हम दोनों हम जोली के हैं, लेकिन मैं उनको रिस्पेक्ट बहुत देती हूँ कि
क्योंकि मुझे मैं अपनी बड़ी बहन नजर आती है, बहुत समझाती है, अगर मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है या मैं कहीं फंसती हूँ बहुत टेंशन हो जाती है मुझे भी, आपको लगता है मुझे टेंशन नहीं, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, तो मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए मेरी दी है तो बहुत। और प्लीज़ आप ये नो सोचना हम लोग का रिश्ता क्या है, मैं बता नहीं सकती। अब जब भी आप उनसे मिलेंगे तो आप खुद ही मिलेंगे तो आप खुद ही देखेंगे, जानेंगे, बर्थडे में आप आई उसके बर्थडे में आप जाके देख सकते हैं। बहुत हम लोगों का बहुत ही मतलब बहुत अच्छा याराना है, याराना है, बहन बहन क्या है, हम में क्या था मुझे हम लोग। अपनी रोटियां बना रही हूँ मैं, रोटी बना लेती हूँ, पापा को टिफिन देने जाना है, क्योंकि पापा टिफिन नहीं ले रहे, पापा नाइट ड्यूटी करते हैं, टिफिन नहीं ले रहे, क्योंकि वैसे तो मैं रोज बना देती हूँ, थोड़ा सा ये फीस फीस बनने में टाइम लगता है। मैंने अपनी बहन भाई के बारे में बताया, तो मेरे चाचा पीती क्या है, मतलब हमारी ये फैमिली है, हमारी ये फैमिली है, एक ही परिवार है, सारे बच्चों में कोई भेदभाव नहीं है, और मेरी मैं बड़ी हूँ उसके बाद मेरा विशाल विकास, विकास के बाद हमारे मुन्नी, मुन्नी मेरी बहन, और उसका नाम वैष्णवी है, वो प्यार से मुन्नी बोलते हैं, उसके बाद अर्जुन है, उसके बाद है अर्जुन के पहले करण है, करण के बाद है अर्जुन, उसके बराबर मैंने पहले ही बताया, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं से। चलेंगे पापा को टिफिन देने चलेंगे, टाइम हो गया, कीवे मुखड़े को नजरा हटा, कीवे मुखड़े को नजरा हटा, तेरे जिया होने से सदा। थोड़ी सी शराब पी थी, तेरे पॉटी आ रही थी, कीवे मुखड़े को नजरा हटा, कीवे मुखड़े को नजरा हटा, तेरे जिया होने से सदा। फैमिली में मैंने ये नहीं बताया कि मैं हुआ भी बनी हूँ, मेरा क्या नाम है, भैया है, इसका नाम है सुधांशु, वो भी मैंने नाम उसका रखा था, वो छोटू सा है, और आपने कई ब्लॉग में देखा होगा, वीडियो में शॉर्ट वीडियो में आपने देखा होगा, और अच्छा है वो, बहुत क्यूट है, गोलू का बेटा, अगर गोलू और विकास दोनों एक ही नाम है आप जानते होगे, तो गोलू के बेटे की मैं बात करती हूँ। बड़े वाले का भी एक बेटा है, कितना आसान होता सही है, लेकिन आज के हिसाब से बहुत सी सारी चीज़ ऐसी ज़रूरतमंद है, तो लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, तो टीवी नहीं है तो बच्चे परेशान होंगे, टीवी भी होना बहुत ज़रूरी है, तो बाकी तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता हो या ना हो, मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती है, देर आता है ठीक है, लेकिन अच्छे से टाइम से आता है, मुझे किसी चीज़ का देख के भी नहीं लगता कि मुझे ये सब होना चाहिए, जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, बस दुआ यही है कि अब हम लोग का खुद का घर हो जाए, आप लोग भी दुआ खूब करिए कि हमारे पास भी छोटा सा मकान हो अपना खुद का, हमारे सर पे छत हो, ये रेंट का ही है, रेंट पे ही रहते हैं हम लोग, और जब से एक साल हुआ है हम लोग को यहाँ आए हुए, तो हमारे यहाँ पे भी हमारे तीन बच्चे हो गए, मतलब तीन बच्चे क्या हमारे घर के सदस्य हैं, वो हमारे बच्चे ही जैसे हैं, आपको शुरू से दिखाया है, जिसको आप देख चुके हैं वो देखिए, वो ब्लैक है ना, तो जिमी बैठा हुआ है, 15 दिन का था, इतना छोटा सा, मैं तब उसे लेके आए थे, वो भी चाचा ही लेके आए मेरे, वाल्टोली से आया हुआ है, जब से यहीं रह रहा है हम लोग के साथ, हम लोग ने इसी मकान में फर्स्ट टाइम मतलब किसी चीज़ को अपने घर में रखा, तो ये हमारे घर का सदस्य है, हम लोगों का बेटा है ये, हम लोग जिमी कौन है हम लोगों का बेटा है हम लोगों का, और मिट्टी है मिट्टू, मतलब हमारे पास मिट्टी मिट्टू भी आपने देखा होगा, और हाँ वो भी हमारे बेटा बेटी है, तो फैमिली टीटू टीटू और ट्यूटी से मिल लीजिए, ये देखिए टीटू उसके अंदर चला गया है,
ये देखिए और ट्यूटी ये बैठी हुई है, तो इन लोगों का, इन लोगों के लिए भी मैं आपको खास वीडियो बनाऊंगी कि गर्मी और सर्दी में इनके, इनका खास ख्याल कैसे रखते। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको जरूर बताऊंगी जितना मुझे पता है कि इनका ख्याल, इनका खाना पीना कैसे देना है, सर्दियों में क्या देना है, गर्मी में क्या देना है, कैसे रखना है। तो इन्हें उड़ा के रखते हैं हम सर्दी में, शाम के समय उड़ा दो इसे। तो फैमिली रोटी छोटी बन गई है और हम लोग थक गए, आज ठंड हुआ था तो हम लोग अभी जाएंगे, अभी हम लोग मूवी देख रहे। कौन सी मूवी देख रहे बाबू? आवाज नहीं आ रही होगी आपको, सॉरी मैं बता रही हूँ, दबंग 3 देख रहे हैं। ये 2 बताना है, 3 देखी जा रही है दी, हम लोग 3 देख रहे हैं। थोड़ा सा पास लाओ, आयुष ने कैमरा हम मोबाइल पकड़ा है, हम लोग उठ के लेटे हुए हैं। आयुष और अभी सब हम लोग खाना खाएंगे, मंदिर जाएंगे, तो हम लोग ने अपनी पूरी फैमिली आपको बुलाया। वैसे पूरी फैमिली तो इतनी नहीं, हम लोग की फैमिली इतनी बड़ी है, यहाँ की या वहाँ ससुराल की फैमिली बाबू बहुत बड़ी है ना, हम लोग गिन भी नहीं सकते, बहुत बड़ी है, गिनती भी नहीं है। और वैसे तो हम लोग एक छोटे से घर में, और हमारी छोटी फैमिली कितनी फैमिली हम लोग? 9 लोग का, 8 लोग, 5 हम लोग, 5 और 3, 8 लोग हैं, तो हम लोग 8 लोग हैं, तो हमारे तो पापा मिला के 5। ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने बता दिया 8 लोग हैं हम लोग की फैमिली, 8 लोग हैं। तो फैमिली हम लोग खाना देने जा रहे हैं पापा को, बहुत आवाज बहुत खाना देने जा रहे हैं, हमें पहुँचने ही वाले हैं, पहुँच के मिलते हैं। पापा के दुकान के पास तो मैं नहीं जाऊँगी, दूर है, कृष्णा नगर है, कानपुर में कृष्णा नगर कार खड़ी है उसके, मतलब वहीं पर दुकान है। अगर किस फैमिली, अब देखिए ये फिर और नाश्ता लेके चले आए, ये देखिए बताशे हैं, मीठा बताशा, ये चाट है, ये फिर से ले आए। अभी बताइए हम लोग ये खाएंगे, अभी समोसे खाएंगे, खाएं खाना कौन खाएगा, खाना कौन खाएगा, कौन करते हैं व्यूअर्स, व्यूअर्स आएंगे खाना के, खाओ क्या बाल देख के, पीयूष के बाल जैसे लग रहा है कि 440 वोल्ट का करंट लग गया। पीयूष इधर देखो, तो पीयूष आगे बैठा था गाड़ी में, इसीलिए लग रहा है उसके बाल उड़ गए। देखिए तो फूल, एक मेरा है एक बाबू का। कैसा है बताशा, कैसा है तो कैसा है, क्या खाओ क्या खाओ, आपको सॉन्ग गा ले रहा, ठीक है, ये बताशे आपके लिए और आपका हिस्सा हम खा लेते हैं, क्योंकि आप तो आ नहीं पाएंगे। तो फैमिली रात के 9 बज रहे हैं करीब, 8:30 बजे हम लोग नाश्ता किया था, पॉज कर दिया था, तसे तसे अब हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो सब लोग क्या खा रहे हैं वो बताओ जल्दी जल्दी। फिश करी, फिश करी खा के बताओ कितने नंबर दोगे, कैसा बना है और कितने नंबर देंगे बाबू, कितने नंबर मिलेंगे हमको? कम से कम 15। तो 15 नंबर दोगे अब टोटल तुम?
लव यू फैमिली। बाय फैमिली।